अगर आपके भी दांत में दर्द है और आप कोई होम रेमेडी यानी कि घरेलू उपाय यूज करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि अगर दांत में दर्द है तो हम क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए एंड बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि मेरे जितने भी नए वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हर घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अगर हमारे दांत में दर्द हो तो हम उसे आसानी से यूज करके टेम्पररी कंडीशन में अपने जो दांत का दर्द है उससे निजात पा सकते हैं। सो पहले हम जानेंगे कि आखिर किन कारणों की वजह से दांत में दर्द होती है। तो फर्स्ट रीजन है कैविटी। अगर आपके दांत में कैविटी है तो इस वजह से दांत में दर्द हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हम जब भी कुछ भी खाते हैं तो उसके छोटे छोटे जो खाने के टुकड़े होते हैं हमारे दांतों में फंसे रह जाते हैं। अगर आप उसे प्रॉपरली क्लीन नहीं करते हैं, खाना खाने के जस्ट बाद अगर उसे क्लीन वाटर से क्लीन नहीं करते हैं तो वो टुकड़े हमारे दांतों में फंसे रह जाते हैं एंड वो धीरे धीरे सड़ते हैं। जब वो सड़ते हैं तो एसिड रिलीज करते हैं, फिर वो हमारे दांतों में इन्फेक्शन बढ़ता है एंड दांतों की जो ऊपर की लेयर होती है उसे वो सड़ाते हैं जिससे कैविटी होती है। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो वैसे कंडीशन में आपको दांत में दर्द हो सकता है। दांत में दर्द भी अगर ऊपरी लेयर पे है तो सिर्फ सेंसिटिविटी होती है। अगर जो दांत की जो कैविटी है यानी कि जो सड़न है अगर उसके नस तक पहुंच गई है तो फिर वैसे में आपको ज़्यादा दर्द भी हो सकता है। सेकेंड है विजडम टूथ यानी कि जो अकल दांत होते हैं जब वो निकलता है तो उस कारण से भी काफ़ी पेन होती है एंड अगर किसी भी रीजन से दांत में कोई भी परेशानी है या मसूड़ों में परेशानी है उस कारण से इन्फेक्शन है या फिर स्वेलिंग है तो उनमें भी पेन हो सकता है। सो चलिए अब हम जानते हैं कि इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए यानी कि जब दांत में दर्द होता है तो उसके लिए क्या होम रेमेडी हम यूज कर सकते हैं। सो जो हमारा फर्स्ट होम रेमेडी है वो है क्लोव यानी कि लौंग। लौंग को आप दांत के दर्द में यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी एनेस्थेटिक ये तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। जो एंटी एनेस्थेटिक होता है जो हमारे दांत में दर्द होता है उसे कम करने में हेल्प करता है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। लौंग को आप क्रश कर लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए एंड जिस भी दांत में आपको दर्द है जहाँ पर कैविटी है आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एंड जो लौंग का ऑयल होता है यानी कि जो तेल होती है आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो उसे कॉटन में डिप करके और जहाँ आपको कैविटी है जहाँ दर्द है वहाँ कॉटन के साथ रख सकते हैं, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन है हमारा होम रेमेडीज में, अगर आपका विजडम टूथ इरप्ट हो रहा है यानी कि आपके अकल दांत निकल रहे हैं और वैसे कंडीशन में पेन है तो आपको वार्म स्लाइम रिंजेस यानी कि गुनगुने पानी में नमक डालकर उसे गार्गल करना है। इसे आपको दिन में कम से कम एक दिन में 2 से 3 बार यूज करना है, काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आपको स्वेलिंग या फिर इन्फेक्शन है इस कारण से पेन है, दर्द है, दांत में दर्द है, ये आपको पहचानना बहुत जरूरी है कि आपको दांत में किस कारण से दर्द है, उसके बाद ही आप होम रेमेडी को यूज करिएगा। अगर कैविटी है तो वैसे कंडीशन में आप लौंग का यूज करिए यानी कि दांतों में सड़न है तो। अगर आपके अकल दांत में दर्द है तो आपको गुनगुने पानी में नमक डाल के गार्गल करना है एंड अगर दांत में माउथ में स्वेलिंग है, मसूड़ों में स्वेलिंग है या फिर इन्फेक्शन है तो वैसे कंडीशन में आप नीम का यूज कर सकते हैं। जो नीम होता है उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। तो नीम को कैसे यूज करना है, जो नीम के स्टिक होते हैं यानी कि जो दातुन होता है उसे आपको स्टार्ट में थोड़ा सा क्रश करके उससे आप अच्छे से ब्रश के जैसे सॉफ्टली आपको यूज करना है। इसमें जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है आपके पेन को रिलीफ देगा। दूसरा तरीका है आप नीम के जो पत्ते होते हैं उसे पानी में बॉईल करिए, उसे ठंडा करिए एंड फिर उससे आप गार्गल कर सकते हैं, इससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। जो नेक्स्ट हमारा होम रेमेडी है वो है जिंजर यानी कि अदरक। उसे भी आप पहले पील कर लीजिए यानी कि उसके छिलके को रिमूव करके स्लाइसेस कट कर लीजिए और हल्का सा सॉल्ट लगा के उसे क्रश करना है एंड जहाँ आपको कैविटी है, जहाँ पर इन्फेक्शन है, जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ पे रखना है। इससे आपके पेन में रिलीफ मिलेगा। अगर आप ये नहीं यूज करना चाहते हैं तो सिमिलरली आप जिंजर को बॉइल कर सकते हैं एंड उसके पानी से आप गार्गल भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट होम रेमेडी है, अगर आपको स्वेलिंग आ गई है तो स्वेलिंग के केस में आप कोल्ड कंप्रेशन का यूज कर सकते हैं। तो कोल्ड कंप्रेशन क्या होता है, तो इसमें आइस क्यूब जो होती है, आइस क्यूब से हम सिकाई करते हैं, तो इसके लिए आप आइस पैक का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास आइस पैक नहीं है तो आप किसी भी साफ कपड़े में आइस को लेकर फिर उससे सिकाई कर सकते हैं, इससे जो स्वेलिंग होती है उसमें काफ़ी आराम मिलता है। सो यहाँ तो हम लोगों ने जान लिया कि हमें क्या क्या होम रेमेडी यूज करनी है, बट उसमें एक चीज़ तो रह गई कि होम रेमेडी कोई सामान तो नहीं है, बट एक प्रोसीजर है जो हमें रोज फॉलो करना चाहिए, वो है हमारा ओरल कैविटी का हाइजीन मेंटेन करना। यस, हम अपने माउथ को अगर अच्छे से क्लीन नहीं रखेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, चाहे वो कैविटी हो, स्वेलिंग हो या इन्फेक्शन हो। तो आपको अपने माउथ की प्रॉपर क्लीनिंग जरूर करनी है, आपको ब्रश दिन में दो बार जरूर करना है, एक सुबह मॉर्निंग में और दूसरा रात को, रात को सोने से पहले। सोने से पहले का मतलब है कि आपको ब्रश करने के बाद फिर कुछ भी नहीं खाना पीना है। एंड नेक्स्ट थिंग गाइज, आप माउथ वॉश का भी यूज कर सकते हैं। तो आपको किन कंडीशन में कौन सा माउथ वॉश यूज करना चाहिए, इस पे अलग से वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। एंड गाइज, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपसे बताना चाहूँगी कि अगर आपको इनिशियल कैविटी है, उसमें पेन है, तो अगर बहुत इमरजेंसी है तो वैसे कंडीशन में आप होम रेमेडी का यूज करिए, बट आपको डॉक्टर से जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि जो दांतों की प्रॉब्लम होती है, चाहे वो कैविटी हो, स्वेलिंग हो, इन्फेक्शन हो, उसे परमानेंट ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप इनिशियल स्टेज में ही कैविटी का ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो वो बेस्ट है, क्योंकि जो कैविटी होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है, और जो दांत के नसों तक जब इन्फेक्शन हो जाती है तो फिर वैसे कंडीशन में जब आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको RCT करवाने की एडवाइस देंगे, तो वैसे में आपका खर्च ज़्यादा आ जाएगा। तो उससे बचने का यही अच्छा सॉल्यूशन है कि जब आपको इनिशियल में कैविटी हो तो वैसे ही कंडीशन में आपको अपना ट्रीटमेंट करवा लेना है, उसमें फिलिंग करवा लेना है, तो जो आप लंबे खर्चे से बच सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर स्वेलिंग है एंड इन्फेक्शन ज़्यादा है तो आपको एक या दो दिन से ज़्यादा वेट नहीं करना है। अगर आपको होम रेमेडी से रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आपको डॉक्टर से जरूर दिखा लेना चाहिए। सिमिलरली गाइस, विजडम टूथ के कंडीशन में अगर आपका अकल का दांत निकल रहा है तो आप 1 वीक देखिए, अगर होम रेमेडी से आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो वैसे कंडीशन में आपको डॉक्टर से जरूर दिखाना चाहिए, बेस्ट होता है। सो गाइस, ये था आज का वीडियो, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर यस तो डेफिनेटली लाइक देना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी दबाइए। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।